हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू माय चैनल लग्जी स्टाइल कॉर्नर सो फ्रेंड्स आज का जो वीडियो है ना इसके अंदर मैं आपके साथ एक ऑयल का रिव्यू शेयर करने वाली हूँ और ये ऑयल जो है ये है बायोटिक uh, ब्रांड का बेसिकली uh, ये है वो हेयर ऑयल जिसके बारे में मैं आज डिटेल्ड रिव्यू आपके साथ शेयर करने वाली हूँ सो विदाउट एनी फर्दर डू लेट्स जम्प इन द वीडियो और हाँ वीडियो शुरू करने से पहले आप प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है और साथ ही साथ आपको बेल आइकन को भी प्रेस करना है जिससे कि मेरे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती रहें और हाँ सब्सक्रिप्शन बिल्कुल फ्री है ओके तो से सबसे पहले मैं अपना बता देती हूँ ये जो हेयर ऑयल है ये है बायोटीक का अब बायो ब्रिंगराज थैरोपेटिक ऑयल फॉर फॉलिंग हेयर एंड इंटेंसिव हेयर रीग्रोथ ट्रीटमेंट ओके सो ये बायोटीक का हेयर ऑयल है एंड इसी के बारे में बता रही हूँ मैं सो सबसे पहले पैकेजिंग अगर मैं इसकी दिखा दूँ

के साथ भी ये है थोड़ा ऑयल बाहर आ ही जाता है तो जब भी इसके साथ ट्रैवल करें इसको एक अच्छे से रैप करके किसी पॉली बैग में या किसी चीज़ में रैप करके ही आप अपने लगेज वगैरह में डालें अदरवाइज़ ये किसी कपड़े वगैरह में लगने का पूरा पूरा चांस है ओके okay, सो so अब मैं बात करूँ इसकी प्राइजिंग की तो इसका जो प्राइजिंग एम आर पी इसमें प्रिंटेड है वो वन फिफ्टी नाइन रुपीज़ प्रिंटेड है एंड इसमें आपको डिस्काउंट मिल जाएगा ऑनलाइन अगर आप देखते हैं तो और ऑफलाइन भी आपको ये अवेलेबल होगा डिस्काउंट का मैं नहीं बता सकती ऑफलाइन के बारे में या आपके आसपास के मार्केट पे डिपेंड करता है वो आपको डिस्काउंट देते हैं या नहीं लेकिन ऑनलाइन आपको अच्छा खासा डिस्काउंट इसमें मिल जाएगा मैंने भी इसे डिस्काउंट में ही उठाया है ओके शेल्फ लाइफ की अगर मैं बात करूँ तो इसमें ट्वेल्व मंथ्स की इसकी शेल्फ लाइफ इन्होंने दी हुई है और बारह महीने बहुत होते हैं एक ऑयल को यूज़ करने के लिए एंड मैंने तो इसको लगभग हाफ से ज़्यादा फिनिश कर भी लिया है ओके okay. नेक्स्ट uh, अब हम मैं बता दूं कि क्या है ये वे, पहले तो ये बोलते हैं जी कि ये इंटेंसिव हेयर ग्रोथ के लिए ट्रीटमेंट है एंड 100 परसेंट आयुर्वेदिक रेसिपी है ये बायोटिक के सभी प्रोडक्ट में लिखा हुआ रहता है और साथ ही साथ सेकेंड ये भी लिखा रहता है कि दिस इज़ नॉट अ कॉस्मेटिक प्रोडक्ट दिस इज इट हैज़ एन इट हैज़ थैरोपेटिक प्रॉपर्टीज ओके ये इसमें लिखा हुआ है नेक्स्ट ये क्या क्लेम करते हैं दिस इंटेंसिव फार्मूला हेल्प्स ट्रीट एलोपेशिया एंड अदर कॉजेज ऑफ हेयर लॉस यानी कि आपके हेयर लॉस को ये कंट्रोल करता है एलोपेशिया के लिए कंट्रोल करता है एनकरेजेस फ्रेश ग्रोथ अच्छी न्यू ग्रोथ आपको देता है आपके बालों की और डिमनिशिस ग्रेन uh, यानी कि सफ़ेद होने से भी ये आपके बालों को रोकता है बचाता है ओके okay, सो so ये इसकी क्लेम्स uh, हैं जो ये करते हैं उसके बाद इसकी इंग्रेडिएंट्स की uh, बात कर लेती हूँ इसमें कंटेन्स क्या क्या करता है वो सब कुछ लिखा हुआ है फर्स्ट uh, है ब्रिंगराज प्लांट 0.6 पॉइंट सिक्स परसेंट आंवला फ्रूट जीरो पॉइंट फोर परसेंट टेसू फ्लावर जीरो पॉइंट फोर फाइव परसेंट मुलेठी स्टैंप जीरो पॉइंट थ्री फाइव परसेंट ब्राह्मी प्लांट जीरो पॉइंट फाइव परसेंट काउ मिल्क फाइव पॉइंट जीरो परसेंट मिल्क फाइव परसेंट सो इसमें बहुत अच्छी बात मुझे इंग्रेडिएंट्स में ये लगी कि सारी मेंशन है एंड उसके साथ साथ किस क्वांटिटी में कितनी क्वांटिटी में डाली गई है वो भी इसके अंदर मेंशन है विच इज अ ओके एंड हाउ टू यूज़ इन्होंने बोला है अप्लाई लिबरली टू ड्राई हेयर एंड स्कैल्प मसाज इन जेंटल विद सर्कुलर मोशन लीव इन फॉर एटलीस्ट हाफ एन आवर एंड रिंस इट विद वाटर सो इन्होंने कहा आधा घंटा आप लगा लीजिए ले लेकिन मैं कभी भी ऑयल uh, इस तरीके से नहीं लगाती हूँ मैं ऑयल जो है वो ओवर नाइट लगा के रखना पसंद करती हूँ और उसके बाद नेक्स्ट मॉर्निंग uh, शैम्पू कर लेती हूँ ओके सो ये सब कुछ हो गया इसके बारे में इसमें क्या क्या लिखा हुआ था ये सब मैंने आपको पढ़ के बता दिया है सो so, अब मूव ऑन करते हैं इसके टेक्सचर और इसकी स्मेल के बारे में तो so, टेक्सचर अगर आप देखेंगे ना तो इसका जो टेक्सचर है वो बहुत ही लाइट है एज यू कैन सी ये किस तरीके से एकदम रन करता हुआ नीचे जा रहा है तो इसका टेक्स्चर जो है ये काफ़ी ज़्यादा लाइट है लाइट टेक्स्चर है बहुत ज़्यादा थिक नहीं होता है आपके बालों में ये थिक फिटनेस नहीं देगा और जैसे होता है ना कि अगले दिन वॉश करना है और तेल नहीं निकलता आसानी से लेकिन इसके साथ ऐसा कुछ भी नहीं है ये बहुत ही आसानी से आप जिस तरीके से नॉर्मल अपना हेड वॉश करते हैं एयर वॉश करते हैं एक बार दो बार शैम्पू लगा करके बहुत ही आसानी से ये आपके बालों से निकल जाता है बिल्कुल भी थिक नहीं है ये और अच्छे से आप थोड़ा सा भी अगर आप लेकर के अपने स्कैल्प पर मसाज करते हैं चंपी करते हैं तो ये काफ़ी अच्छे से स्प्रेड भी हो जाता है बहुत ज़्यादा क्वांटिटी की ज़रूरत नहीं पड़ती है आपको ओके okay, नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ इसकी स्मेल की तो यस yes, ऑब्वियसली ये ऑयल है तो इसमें ऑयल में स्मेल आना बहुत ही नॉर्मल uh, चीज़ है इसमें स्मेल आ रही है ऑयल की स्मेल आ रही है कोई नई चीज़ नहीं है और रहती है यह आपके बालों पर जब तक आपके बालों पर लगा रहेगा तब तक आपके बालों से इसकी स्मेल आती रहेगी और जब नेक्स्ट मॉर्निंग आप शैम्पू कर लेते हैं या जब भी शैम्पू करते हैं ये स्मेल चली जाती है आपके बालों में नहीं रहेगी ओके सो या और वैसे भी इसके अंदर इतने सारे इंग्रीडियंट्स डले हुए हैं तो इसमें से स्मेल आना तो बहुत ही लाजमी सी चीज़ है कोई इट इज़ नॉट अ वेरी बिग डील ओके लेकिन यह ये बॉदर नहीं करती है इसकी जो स्मेल है आ, बिल मतलब बॉदर नहीं करती है ऑयल हम लोग लगाते रहते हैं इतना ज़्यादा परेशानी नहीं होती है ऐसे नहीं है कि एकदम सर दर्द होने लग जाए इसको लगाने के बाद नॉर्मल है ओके okay, सो so ये बात तो हो गई क्या इसमें प्रिंटेड है कैसा ये काम करता है हाउ टू यूज एंड एवरीथिंग अबाउट दिस जो भी प्रिंटेड है इसके अंदर सो so अब नॉर्मल बात कर लेते हैं एक्चुअली क्या है ना फेस प्रोडक्ट्स एंड स्किन प्रोडक्ट्स मैं बहुत सारे यूज़ करती रहती हूँ आपने प्रोडक्ट्स के रिव्यूज़ मेरे चैनल पर देखे होंगे सो स्किन के साथ और फेस के साथ मैं थोड़ा बहुत एक्सपेरिमेंट और उसके प्रोडक्ट्स के साथ एक्सपेरिमेंट करती रहती हूँ लेकिन जब बात आती है ना बालों की तो मैं वहाँ पर ज़्यादा एक्सपेरिमेंट नहीं कर पाती हूँ और uh, एक प्रोडक्ट अगर मुझे कोई चल रहा है बालों के साथ तो वो चलता ही रहता है ये नॉर्मल सी चीज़ है शैम्पू को यूज़ कर रही हूँ अगर सूट कर रहा है तो वही यूज़ करती रहूँगी बिकॉज़ बालों का ये है कि हेयर फॉल अगर स्टार्ट हो जाता है तो फिर बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है और आप सभी एग्री करेंगे कि दिल एकदम टूट सा जाता है अगर बाल टूटते हैं तो तो उसी वजह से बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट्स मैं नहीं एक्सपेरिमेंट कर पाती हूँ अपने बालों के साथ ओके अब हेयर फॉल की प्रॉब्लम जो है वो रहती ही है कभी कम होती है तो कभी ज़्यादा होती है जिनकी नहीं है दे आर रियली ब्लेस्ड जिनको अगर बालों की गिरने की या हेयर फॉल की प्रॉब्लम नहीं है तो लेकिन मेरे साथ ये प्रॉब्लम रहती है हेयर फॉल कभी कम तो कभी ज़्यादा होता रहता है ओके और इसी चक्कर में मैंने इस हेयर ऑयल को स्टार्ट किया लगाना ओके okay. क्योंकि अभी जैसे विंटर से जब मैंने जब एकदम बहुत ज़्यादा ठंड हुई ना समर से विंटर्स में आने के लिए तो फिर हेयरफॉल जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया था और हेयरफॉल बढ़ने की वजह से इतनी ज़्यादा टेंशन हो गई थी मेरे को कि मैं क्या करूँ इसीलिए मैंने बहुत ज़्यादा रिव्यूज़ बहुत ज़्यादा इसके इसका सब कुछ पढ़ करके उसके बाद मैंने इसको ट्राई करने का सोचा और यही सोच करके मैंने इसे परचेज़ किया ओके okay. सो so, ठीक है परचेज़ की कहानी आपने सुन ली अब मैं अपना एक्सपीरियंस बता दूँ कि ये मैंने इसको अभी इतना यूज़ कर लिया है ओके एंड लाइक मैं जब भी हेयर वॉश करती हूँ लाइक वीक में अगर मैं दो बार यूज़ कर रही हूँ तो मैं दो बार इसको ज़रूर ही लगा रही हूँ और वो भी वैसे ही एक रात पहले मैं इसे लगा लेती हूँ नेक्स्ट मॉर्निंग मैं इसे वॉश कर लेती हूँ ओके सो इसे ऐसे करते करते ऑलमोस्ट मुझे uh, हो गया है डेढ़ दो महीना हो गया है मुझे क्योंकि बाल अब छोटे हैं इतने ज़्यादा तो है नहीं और uh, स्कैल्प पर ही इसे लगाना होता है तो बहुत ज़्यादा क्वान्टिटी की जरूरत भी नहीं पड़ती है ये आधी से ज़्यादा ख़त्म हो भी गई है ओके सो so, इसने अभी तक जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा इफेक्ट दिखाया है मुझे अच्छा लग रहा है इसको लगाना और रिजल्ट जो है वो मैं देख रही हूँ तो मुझे अच्छे लग रहे हैं ओके okay, एंड अगर बाल टूटते हैं 20 30 50 बाल दिखते थे पहले तो फिर अब थोड़ा कम होकर के मुझे 10 15 20 बाल दिख रहे हैं कि हाँ टूट रहे हैं ठीक है झड़ रहे हैं टूटना इज़ अदर थिंग टूटना यहाँ नीचे से होता है झड़ना मतलब एकदम रूट से झड़ना होता है ओके सो अभी तक जो है वो बहुत ही अच्छा रिजल्ट दिखा रहा है एंड इसी चक्कर में मेरी ये बॉटल चल रही है लेकिन स्टिल मैंने इसका एक और बैकअप जो है वो लेकर के रख लिया है अभी अच्छा डील अच्छी मिल रही थी तो मैंने इसे परचेज करके रख लिया बिकॉज अभी मैं इसी को ही अभी इसी को इसी के साथ स्टिक करूँगी और इसे अपने बालों पर लगा कर ट्राई करूँगी पूरा क्योंकि एकदम से बहुत ही जल्दी जल्दी से अगर स्विच कर लो आप अपने प्रोडक्ट को और फिर आप बोलो कि यार इसने तो काम ही नहीं किया बालों के लिए तो फिर वो मैं नहीं करना चाहती इस बार मैं इसको अच्छे तरीके से यूज़ करना चाहती हूँ अच्छा सा एक्सपीरियंस देखना चाहती हूँ एटलीस्ट मैं इतना यूज़ कर लूँ उसके बाद मैं बताऊँ कि नहीं इसने काम नहीं किया है लेकिन अभी तक जितना मैंने इसे यूज़ करा है इसने काफ़ी अच्छा काम किया है आप भी इसको ट्राई कर सकते हैं बिलीव मी वन फिफ्टी नाइन रुपीज़ की बॉटल है अगर आप बहुत ज़्यादा हेयर फ़ॉल से परेशान हैं तो एक बार ट्राई करके देख लीजिए बिकॉज बालों के साथ अगर बाल टूटते हैं तो फिर बहुत ज़्यादा टेंशन और हो जाता है तो अगर 159 फिफ्टी में आपके बालों का टूटना और झड़ना कम होता है कुछ हेल्प मिल जाती है तो क्या बिग डील है और 159 फिफ्टी में आपको कितना 120 हंड्रेड मिल रहा है मेरे ख्याल से 120 हंड्रेड ऑफ़ प्रोडक्ट ये सी आपको मिल रहा है और काफ़ी ज़्यादा टाइम चल जाएगी आपकी ये बॉटल जो है तो आप इसको ट्राई कर सकते हैं मैं रेकमेंड ज़रूर हंड्रेड आपको इसे रिकमेंड करूँगी आप एक बार ज़रूर ट्राई करके देख लीजिए अगर आप सब कुछ चीज़ ट्राई कर चुके हैं तो एक बार इसको भी ट्राई करके देख लीजिए एंड विल री परचेज यस मैंने इसको ऑलरेडी परचेज कर लिया है और इसने अभी तक बहुत ही अच्छा काम किया है मेरे बालों पर ओके okay. एंड इसके साथ साथ प्रोज तो बहुत सारे हैं प्रोज की बात करूं तो क्योंकि इसमें इंग्रेडिएंट्स में ही सारे के सारे जितने भी इंग्रेडिएंट्स इन्होंने लिखे हुए हैं वो सारे ही नेचुरल हैं काउ मिल्क है गोट मिल्क है इसके अंदर तो ये सभी जो है ये इसके प्रोज ही बना बनते हैं इसके अच्छे और प्लस पॉइंट्स ही हैं और कौन तो इतना मुझे कुछ खास खास अभी तक नज़र नहीं आ रहा है बस थोड़ा पैकेजिंग को लेकर ही है और ऑयल है तो फिर इसमें कौन भी नहीं है कि ये लीक होता है ऐसा कुछ है लेकिन ये काम कर रहा है बालों के लिए वही बहुत बड़ी बात है और मैं इससे बहुत खुश हूं इस प्रोडक्ट से सो so, मेरी तरफ से फाइव आउट ऑफ फाइव में इस प्रोडक्ट को देना चाहूंगी और डेफिनेटली आप इसे एक बार परचेज करके ट्राई कर सकते हैं मेरी रिकमेंडेशन पर okay? सो दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो गाइज इस भृंगराज सो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो गाइज़ यही था मेरा आज का वीडियो इस बायोटिक के ऑयल के बारे में भृंगराज ऑयल है ये भृंगराज थेरोपेटिक ऑयल फॉर फॉलिंग हेयर ओके और कैसा लगा आप मुझे प्लीज़ नीचे कॉमेंट करके ज़रूर बताइएगा थोड़ा सा भी कहीं से भी अच्छा और हेल्पफुल निकल जाए तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर लेना एंड अपनी फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ इसे शेयर कर लेना मे बी कोई हेयर फॉल की प्रॉब्लम से परेशान हो और उसको ये आ, उनको ये वीडियो जो है वो थोड़ी हेल्पफुल हो जाए आ, तो आप इसे शेयर कर लीजिएगा और अब मैं मिलती हूँ आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में टिल देन बाय yeah.